भारत और अमेरिका ने सुरक्षा व असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देते हुए भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने पर सहमति जताई है। बुधवार को दोनों देशों ने भारत अमेरिका रणनीतिक सुरक्षा वार्ता के 9वें दौर के समापन पर जारी एक संयुक्त बैठक में सहमति जताई। भारत की तरफ से विदेश सचिव विजय गोखले और अमेरिका के स्टेट फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी विभाग की अंडर सेक्रेटरी एंड्रिया थॉम्पसन ने बातचीत में हिस्सा लिया। दोनों देश के संयुक्त बयान में कहा गया, भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना सहित द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने अक्टूबर 2008 में असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे ने द्विपक्षीय संबंधों को एक मजबूती प्रदान की। हालांकि बयान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन भारत में अमेरिका के इस रुख से तमाम संभावनाएं पैदा होती हैं। जानकारी के मुताबिक सौदे का एक प्रमुख पहलू परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG था, जिसने भारत को एक विशेष छूट दी जिससे वे एक दर्जन देशों के साथ सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर कर सके। छूट के बाद भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, UK, जापान, वियतनाम, बांग्लादेश, कजाकिस्तान और दक्षिण कोरिया के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बुधवार को संयुक्त बैठक के दौरान अमेरिका ने अनेक सदस्य NSG में भारत की शुरुआती सदस्यता के लिए अपने मजबूत समर्थन की भी बात कही है। बता दें कि चीन ने भारत को NSG में शामिल नहीं होने दिया था। वो भारत के परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना चाहता है। यह समझौता ऊर्जा की कमी की समस्या का समाधान करने में सहायता करेगा, जो भारत की बढ़ती विकास दर से संबंधित एक प्राथमिक समस्या के रूप में उभरी है। इस समय भारत की केवल 3% ऊर्जा जरूरतें परमाणु स्रोतों से पूरी की जाती हैं। भारत की सन 2020 तक परमाणु क्षेत्र से 20,000 MWE के उत्पादन की योजना है, जो वर्तमान 3,700 MWE के मुकाबले काफी अधिक है।